प्रिया, अरे ओ प्रिया, क्या कर रही हो? भाभी मैं सीरियल देख रही हूँ टीवी पे। मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं, उठो जल्दी जाके नहा लो, हमें खेत पे भी जाना है। अरे क्यों जाना है भाभी? तुझे पता है इस समय गेहूं की कटाई चल रही है, मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो चलो हम लोग ही गेहूं काट लेंगे। मैं खेत पे नहीं जाऊंगी भाभी, मैं यहाँ पे मेहमान बन के आई हूँ। मेहमान? मेहमान तो उन्हें कहते हैं जो ससुराल में 2-4 दिन रुके और चले जाएं, लेकिन तुम तो यहाँ पे हमारी छाती पे मूंग दल रही हो। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम सास और ननद दोनों लोग मिलके आज क्यों लड़ाई लड़ रही हो? अरे देखो जी, आपकी प्यारी ननद 2 महीने से आके ससुराल में बैठी हुई हैं और मैं इन्हें कोई काम कहती हूँ तो मुझ पे हमला कर देते हैं। देखो भैया, अब भाभी को समझा लो, अगर मेरे खिलाफ एक भी लफ्ज बोलेंगी तो मैं इनका मुंह तोड़ दूंगी। सुनो पुष्पा, अब अगर तुमने मेरी बहन के बारे में एक भी लफ्ज बोला तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। सुनो जी, आप ज्यादा अपनी बहन की साइड मत लीजिए, ये भोली भाली नहीं है, जहरीली नागिन है, जहरीली नागिन। अगर ये भोली भाली होती तो नंदोई साहब इसको यहाँ क्यों भेजते? तुम सही कह रही हो पुष्पा, अगर इसे यहाँ रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। अगर ये काम नहीं करेगी तो मैं जीजाजी से बात करके इसे इसके ससुराल भिजवा दूंगा।